राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ। दोस्तों आपका स्वागत है रहस्य मैक्स में, जिस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत रहस्यमय और रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से, अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए रहस्य मैक्स को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आप कहीं भी रहेंगे लेकिन आपको हमारे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के पीछे पाक का हाथ। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उनके अनुसार राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान का हाथ है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान न सिर्फ विवाद को बढ़ावा दे रहा है बल्कि आग में घी डालने के लिए फंडिंग भी कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने ही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को जन्म दिया है। पाकिस्तान इस मामले से जुड़े पक्षों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मौलवियों को लगातार फंड कर रहा है। पाकिस्तान का मकसद है कि मौलवी हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव बरकरार रखें और इससे भारत में अशांति फैलती रहे। वसीम रिजवी ने कहा कि वो घाटी के मुसलमानों से मिलने कश्मीर भी जा रहे हैं, वहाँ भी वो मुसलमानों के बीच बाबरी मस्जिद को लेकर एक राय बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो समझाएंगे कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए अलग से जमीन मिलनी चाहिए और विवादित जमीन पर मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा था कि विवादित जगह पर मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण किया जाता है तो इससे दोनों समुदाय में संघर्ष की संभावना बनी रहेगी, इससे बचा जाना चाहिए। यही नहीं, चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी दोबारा मुसलमानों से विवादित जमीन से अपने हाथ पीछे हटाने की मांग करेंगे। इससे पहले भी शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। हलफनामे में शिया वक्फ ने कहा था कि अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए, इसके अलावा मस्जिद का निर्माण पास के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हो। जबकि शिया वक्फ बोर्ड के इस राय से सुन्नी वक्फ बोर्ड सहमत नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड विवादित जगह पर मंदिर बनाए जाने की बात खुले तौर पर कहता रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जुड़े रहें रहस्य मैक्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।